लोकसभा चुनाव सर पर है और इसको लेकर बढ़ रही गर्माहट के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, ऐसा सिद्धू का कहना है। सूत्रों के अनुसार सिद्धू ने पार्टी को साफ कर दिया है कि वो पारिवारिक कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को इस बारे में इतला भी कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी आलाकमान को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और संभावित बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार पंजाब के सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे रही है। वहीं चंडीगढ़ पर सर्वे के बाद टिकट तय किया जाना था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज को समय देने और उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आलाकमान को दी गई जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू राज्य स्तरीय राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। सिद्धू की टीम की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, लेकिन सिद्धू का लोकसभा चुनाव न लड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। सिद्धू पहले से ही पार्टी सदस्यों के निशाने पर रहे हैं और पार्टी नियमों को ताक पर रखकर सिद्धू ने कई रैलियां भी की हैं, जिसका राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा और भी कई नेताओं ने विरोध जताया था। लेकिन अचानक सिद्धू का ये ऐलान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। हो सकता है उनके साथ ये राजनीतिक रंजिश हुई हो, या हो सकता है कि सच में ये उनका निजी कारण हो। पार्टी के आदेश पर अब सिद्धू लोकसभा उम्मीदवार नहीं बने या असल में पत्नी की खराब सेहत ही वजह है, इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि पंजाब में सिद्धू अब बैकफुट पर आ चुके हैं और पार्टी हो सकता है आने वाले समय में सिद्धू को पार्टी से ही निकाल दे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।